Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is for class 7 subject English. Our topic is lesson number 1, the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In this lecture, I will read the lesson and translate the lesson as well as explain the lesson. Before I start the lesson, I will tell you that in this lesson, we will study about the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam's life, his behavior, and also we will know about his last sermon which was delivered by him. हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके अखलाक के बारे में जानेंगे और हम उनके आखिरी खुतबे के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने आखिरी खुतबे में मुसलमानों से और तमाम इंसानियत से क्या खिताब किया. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट. All glory be to Allah. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. There is no God but Allah. कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के. एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. रेज द क्राई फ्राम द हार्ट ऑफ द प्रॉफिट. अल्लाह के नबी के दिल से हक की आवाज़ बुलंद हुई. एंड मिंगल्ड विद द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द डेजर्ट ऑफ अरेबिया. और अरब के वसी सहराई इलाके में फैल गई. रेज्ड मीन बुलंद होना, क्राई पुकार. वास्ट वसी, एक्सपेंस मीन फैला हुआ, डेजर्ट मीन सहरा. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाज बॉर्न ऑन मंडे द 12th ऑफ रबीउल अव्वल इन द ईयर 571 AD. आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पीर 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पैदा हुए. ही बिलोंग टू द नोबल फैमिली. ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कुरैश, द नोबिलिटी ऑफ अरेबिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुरैश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो कि अरब का मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था. नोबिलिटी मीन मुअज़्ज़ज़. His family is traced back to Hazrat Ismail alayhi salam and Hazrat Ibrahim alayhi salam. Unke khandan ka shajra nasab Hazrat Ismail alayhi salam aur Ibrahim alayhi salam se ja milta hai. His parents died by the time he was 6 years of age. Student, yahan parents se murad hum aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki walida lenge kyunki aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke jo walid the wo aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki paidaish se pehle faut ho chuke the. Unki walida वफात पा गई थी जब उनकी उम्र 6 बरस की थी. His grandfather अब्दुल मुतल्लिब चार्ज ऑफ हिम बट ही आल्सो डाइड सून. उनके दादा ने उनके परवरिश की जिम्मेदारी ली लेकिन वो भी जल्द फौत हो गए. नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फेल टू हिज़ अंकल अबू तालिब. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी के चचा अबू तालिब पर आ पड़ी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी. ही लव्ड हिज़ यंग नेफ्यू डियरली. वो अपने छोटे भतीजे से बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत अजीज़ रखते थे. एंड डिड ऑल ही कुड टू रेयर हिम वेल. और उनकी परवरिश में उसे जो कुछ हो सका उन्होंने अच्छा किया. एज अ ग्रोन अप मैन, जब वो बलूगत को पहुँचे, जब वो बड़े हुए, ही वॉज सो ऑनरेबल एंड ट्रस्टवर्दी, तो वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार और काबिल एतबार थे. दैट पीपल वुड कॉल हिम अल सादिक एंड अल अमीन, के लोग उनको अल सादिक और अल अमीन के लकब से पुकारते थे. वन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रीच द एज ऑफ 40, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुँचे, ही वुड रिटायर्ड टू माउंट हिरा फॉर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पहाड़े हिरा, गारे हिरा में गोशा नशीनी इख्तियार करते इबादत और गौर फिक्र के लिए. रिटायर मीन गोशा नशीनी इख्तियार करना यानी कि अकेले बैठना. प्रेयर मीन इबादत, मेडिटेशन मीन गौर फिक्र. वन डे व्हाइल ही सेट इन अ केव एट माउंट हिरा, जब वो पहाड़ हिरा की एक गार में बैठे हुए थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम द एंजल ऑफ रिवेलेशन अपीयर्ड टू हिम एंड सेड इक़्रा रीड. वही का फ़रिश्ता, रिवेलेशन वही का फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने ज़ाहिर हुआ और कहा इक़्रा रीड पढ़. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सेड आई एम नॉट एबल टू रीड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा मैं इस काबिल नहीं कि पढ़ सकूँ. स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उम्मी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था. बट द कमांड वॉज इशूड ट्वाइस मोर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कमांड हुक्म मज़ीद दो बार जारी दिया गया. ईच विद द सेम रिस्पॉन्स फ्राम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ से वही जवाब मिला. क्या जवाब मिला कि आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं इस काबिल नहीं कि पढ़ सकूँ. फाइनली आखिरकार ही वॉज ग्रेस्प्ड,
ग्रेस मीन ग्रिफ्त ही वॉज ग्रेस विद ओवरवेलमिंग फोर्स बाय द एंजल, उनको फरिश्ते ने अपने ताकतवर बाजुओं में जकड़ लिया। देन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ग्रिफ्त में लेना या जकड़ में लेना। देन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रिलीज हिम, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा। एंड द फर्स्ट वर्स ऑफ द होली कुरान वॉज रिवील्ड टू हिम, और कुरान की पहली आयत नाजिल होने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें क्रिएटेड पैदा किया। लॉर्ड आका या रब। अल्लाह रिवील्ड टू हिम द ट्रू रिलीजन इस्लाम, अल्लाह ने उन पर अपना सच्चा दीन इस्लाम नाजिल किया। द बिलीफ इन द टोटल सबमिशन टू वन ट्रू एंड द ओनली अल्लाह, जिसका मतलब कि सिर्फ एक सच्चे अल्लाह पे तवक्कुल करना, उस पे अकीदा, यानी कि उनका अकीदा ये था कि एक सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे और ख़ालिस अल्लाह की जो एक है उनकी इबादत करना और उन पे भरोसा रखना। अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द माइटी, जो कि नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देयर आफ्टर, इसके बाद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम स्पेयर्ड नो एफर्ट इन प्रीचिंग द ट्रू रिलीजन इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सच्चे दीन इस्लाम की तबलीग में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रीचिंग तबलीग, ही सफर्ड, उन्होंने बर्दाश्त की ग्रेट हार्डशिप, बहुत मुश्किलात, बट नथिंग कुड मूव हिम फ्रॉम हिज चूजन पाथ, लेकिन कोई भी उनको उनके मुंतखब रास्ते से हटा ना सका। मुंतखब रास्ता क्या था कि अल्लाह को एक मानना और उनके अहकाम की पैरवी करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन खुतबा ऑन द 9th ऑफ जुलहिज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा 9 जुलहिज्जा को पहुँचाया। जुलहिज्जा मीन 12th एंड लास्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक ईयर। जुलहिज्जा क्या है? इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना। 10th ईयर्स आफ्टर हिजरा, हिजरत के 10 साल बाद। अब हिजरत कैसी हिजरत? माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, वो हिजरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की थी, तो उस हिजरत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा डिलीवर किया। दौराना वैली ऑफ माउंट अरफात, जबले अरफात की या पहाड़े अरफात की, जबले अरफात की उराना वादी में। हिज वर्ड्स वर क्वाइट क्लियर एंड कंसाइज एंड वर डायरेक्टेड टू द एंटायर ह्यूमैनिटी, उनके जो अल्फाज थे क्वाइट क्लियर, वो वाजहा थे एंड कंसाइज और मुख्तसर थे। एंड वर डायरेक्टेड टू द एंटायर ह्यूमैनिटी, और उनका खिताब जो था वो तमाम इंसानियत से था। ओ पीपल, ए लोगो, लेंड मी एन अटेंटिव ईयर, मुझे गौर से सुनो। फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शेल एवर बी अमंग्स यू अगेन, मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान रहूँगा। देयरफॉर, इसलिए, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग टू यू वेरी केयरफुली, इसीलिए जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। केयरफुली मीन गौर से। एंड टेक दीज वर्ड्स टू दोज हु कुड नॉट बी प्रेजेंट हेयर टुडे, और इन अल्फाज को उन लोगों तक पहुँचाओ जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। बिवेयर ऑफ सैटन, शैतान से होशियार रहें। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने दीन की हिफाजत के लिए। योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर अ सैक्रेड ट्रस्ट अमंग्स योर सेल्फ अंटिल यू अपेयर बिफोर योर लॉर्ड, एंड रिमेंबर यू शैल हैव टू अपेयर बिफोर योर लॉर्ड, आपके जो माल हैं और आपकी जानें हैं एक मुकद्दस अमानत हैं, सेक्रेट मीन मुकद्दस अमानत हैं आपके दरमियान। अनटिल यू अपेयर, इससे पहले कि आप जाहिर हो, बिफोर योर लॉर्ड, अपने आका के सामने। अपेयर मीन पेश होना, इससे पहले कि आप पेश हो अपने आका के सामने। एंड रिमेंबर, और याद रखो, यू शैल हैव टू अपेयर बिफोर योर लॉर्ड, तुमको तुम्हारे आका के सामने पेश होना है। यू शैल डिमांड फ्रॉम यू एन अकाउंट ऑफ ऑल योर एक्शंस, एक्शन मीन काम, जो तुमसे तुम्हारे तमाम कामों के बारे में हिसाब किताब लेगा। यू हैव राइट्स ओवर योर वाइफ्स, तुम्हारे बीवियों के ऊपर हुकूक हैं। एंड योर वाइफ्स हैव राइट्स ओवर यू, और तुम्हारे बीवियों के तुम पर हुकूक हैं। ट्रीट देम विद काइंडनेस एंड अफेक्शन, उनके साथ मेहरबानी और शफकत का सलूक करें। Be faithful to each other, एक दूसरे के साथ वफादार रहें। And do not commit sins, और sins भी गुनाह ना करें। Allah has forbidden you to
टेक यूजुअली इंटरेस्ट, अल्लाह तुमको मना करता है सूद लेने से, फॉरबिडन मीन मना, देयरफॉर इसलिए, ऑल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस शैल हेंसफोर्थ बी वेव्ड, इसीलिए अब तक के तमाम सूदी वाजिबात को एहसानात के तौर पे छोड़ दिया जाए, वेव मीन एहसाना छोड़ देना, वेव मीन छोड़ देना। नो मर्डर्स कमिटेड ड्यूरिंग द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर टू बी अवेंज्ड, जाहिलियत के दिनों में किए गए कत्लों का इंतकाम नहीं लिया जाएगा, मर्डर्स कत्ल अवेंज इंतकाम। डू नॉट फॉरगेट दैट एवरी मुस्लिम शुड बी ट्रूली अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम, फॉरगेट भूलना, ये मत भूलें कि हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ सच्चा बरादराना रवैया कायम रखना चाहिए, यानी कि भाईचारे का सलूक कायम रखना चाहिए। देयर इज़ नो प्रेफरेंस फॉर द अरब ओवर द नॉन अरब आर द नॉन अरब ओवर द अरब, प्रेफरेंस मीन बर्तरी, किसी भी अरबी को किसी भी गैर अरबी यानी कि जो अरब के इलाके से बाहर के इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी अरबी को गैर अरबी या अजमी पर कोई बर्तरी नहीं है, आर द नॉन अरब ओवर द अरब, या किसी भी अजमी को किसी भी अरब पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर ब्लैक, नॉट डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर वाइट, और ना ही सुपीरियरिटी भी कहते हैं बर्तरी को, और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी हासिल है। ओनली द गुडनेस एंड पाइटी ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई नेकी और तकवा, पाइटी मीन तकवा परहेजगारी, तकवा की खसूसियात ही एक इंसान को दूसरों पर बरतर रख सकती है। ओ पीपल ए लोगो लिसन टू मी इन ऑनेस्ट वर्शिप अल्लाह से यूर फाइव प्रेयर्स डेली सलाह डेली फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान एंड गिव यूर वेल्थ इन ज़कात, ए लोगो गौर से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, पांच वक्त की नमाज दिन में अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, फास्ट मीन रोज़े, और अपनी दौलत को ज़कात के तौर पे अदा करो, यानी कि जितना आपसे ज़कात मांगा गया है आप उसको अदा करो। परफॉर्म हज इफ़ यू कैन अफोर्ड टू, अगर आप अफोर्ड मतलब ताकत रखते हो, अगर आप ताकत रखते हो तो आप हज अदा करो, ताकत मतलब अगर आपके पास इतनी दौलत है जिससे आप हज अदा कर सकते हैं या जिस्मानी तौर पे आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कोई ऐसी बुरी सिचुएशन नहीं है तो आप पे हज फ़र्ज है। फीट एंड क्लोथ योर स्लेव्स, अपने ग़ुलामों को वही खिलाओ, फीट मतलब खिलाना, क्लोथ मतलब पहनाना, विद सच फूड इस खाने के साथ उसको वही खाना दो, एज़ यू ईट यूर सेल्फ जो आप ख़ुद खाते हो, एंड विद सच क्लॉथ्स और उनको वही कपड़ा दो एज़ यू वेयर यूर सेल्फ जो आप ख़ुद पहनते हैं। इफ़ दे कमिट अ फॉल्ट, अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, कमिट सरजद होना, फॉल्ट मीन गलती, विच यू फाइंड हार्ड टू फॉरगिव कि आपको उसको माफ़ करना मुश्किल लगे, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, देन लेट देम गो अवे तो फिर उन्हें आज़ाद कर दो, एंड डू नॉट ट्रीट देम हार्शली और उनके साथ ज़ालमाना या सख्ती का सलूक ना करो, बी काइंड मेहरबान रहें, एंड जस्ट टू एवरीवन और हर किसी के साथ इंसाफ करें, जस्ट इंसाफ। ओ पीपल ए लोगो नो प्रॉफिट और अपोसल विल कम आफ्टर मी, मेरे बाद कोई भी नबी या कोई भी पैगंबर नहीं आएगा, आफ्टर मी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, असल मीन पैगंबर, एंड नो न्यू फेथ विल बी बोर्न और कोई भी नया दीन जन्म नहीं देगा, फेथ मतलब अकीदा या दीन। रीज़न वेल देयर फॉर ओ पीपल एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स विच आई कन्वे टू यू, ये अच्छी दलील है, देयर फॉर इसीलिए, ए लोगो एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स इन लफ्ज़ों को समझो विच आई कन्वे टू यू जो मैं तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। आई लीव बिहाइंड मी टू थिंग्स, मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, द कुरान एंड माय सुन्नाह और मेरी सुन्नत। सुन्नाह से मुराद स्टूडेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक्ट और हर अमल सुन्नत कहलाता है, एंड इफ़ यू फॉलो दीज यू विल नेवर गो एस्ट्रे, अगर आप इन पे अमल करोगे तो आप कभी भी एस्ट्रे नुकसान नहीं उठाओगे। हैव आई फुलफिल माई मिशन, क्या मैंने अपना मकसद मुकम्मल कर लिया। Addressing the assembled people, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जमा लोगों से ख़िताब किया, assembled mean जमा, addressing ख़िताब करना,
इन ट्रुथ यू हैव, सच में यकीनन आपने किया। रिप्लाइड द हंड्रेड्स ऑफ द पिलग्रिम्स, वहाँ पे मौजूद सैकड़ों हाजियों ने जवाब दिया। बी माई विटनेस, मेरे गवाह रहें। ओ अल्लाह, ए अल्लाह, दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, कि मैंने आपका पैगाम आपके लोगों तक पहुँचा दिया। स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस लेसन वी लर्न दैट वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नाह एंड देन वी विल गेन सक्सेस। हमें चाहिए कि हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना हर अमल ज़िंदगी में करना चाहिए ताकि हम कामयाबी हासिल कर सकें। द ग्लोसरी, आई एक्सप्लेन इट, द वर्ड मिंगल, मिंगल मीन मिल जाना, शामिल हो जाना, टू बी मिक्स आर कम्बाइंड। ए डी मीन एब्रीविएशन फॉर एनी टू, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब सनी ईस्वी, सनी ईस्वी को मुख्तसर करना, एब्रीविएशन इख्तसार या मुख्तसर करना। लैटिन फ्रेज, ये एक लातीनी इबारत है जिसके मायने हैं इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, आका का साल, विच इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होता है व्हेन रेफर टू अ ईयर आफ्टर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट मीन, स्टूडेंट्स हम मुराद लेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। एडी को हम रेफर करते हैं जिस साल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। रेयर मीन, तो उसके बाद उसी साल से हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साल के बाद जितने भी साल आ रहे हैं तो उनको एडी से रेफ़र किया जाता है। रेयर मीन परवरिश, टू केयर फॉर यंग चिल्ड्रन अनटिल दे आर एबल टू केयर फॉर देम सेल्फ, छोटे बच्चे की परवरिश करना हत्ता के वो इस काबिल हो जाए कि खुद अपने आप को पाल सके। एक्सपेंस मीन फैला हुआ, अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर आर स्काई, ज़मीन पानी या आसमान का वसी और खुला इलाका। नोबिलिटी मीन शराफत, द पीपल ऑफ द हाइएस्ट सोशल रैंक इन अ सोसाइटी कंसिडर एज अ ग्रुप, किसी भी ख़ानदान को माशरे में ऊंचा मर्तबा हासिल होना। रिवील्ड मीन नाजिल होना, टू मेक नोन, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, और शो समथिंग या कोई ऐसी चीज़ दिखाना, दैट इज़ सरप्राइजिंग, जो कि हैरान कन हो, आर दैट वॉज प्रीवियसली सीक्रेट, जो इससे पहले एक राज हो। सबमिशन मीन यकीन रखना, तवक्कल करना, द एक्ट ऑफ अलाउइंग समवन आर समथिंग टू हैव पावर ओवर यू, किसी भी ऐसी चीज़ पर भरोसा करना या किसी पर भी जो आप पे गालिब हो। इग्नोरेंस मीन जहालत, अ लैक ऑफ नॉलेज, तालीम की कमी, इलम की कमी, और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग या किसी भी चीज़ के बारे में इलम की, मालूमात की कमी। सैक्रेड मुकद्दस, कंसिडर टू बी होली एंड डिज़र्विंग रिस्पेक्ट, किसी भी चीज़ को पाक जानना और उसे एहतराम के काबिल समझना, इस्पेशली बिकॉज ऑफ अ कनेक्शन विद रिलीजन, ख़ास तौर पर दीन के साथ ताल्लुक के हवाले से। ट्रस्ट मीन अमानत, टू बिलीव दैट समवन इज़ गुड एंड ऑनेस्ट एंड विल नॉट हार्म यू, इस बात पर यकीन रखना कि कोई चीज़ अच्छी है, कोई अच्छा है और ईमानदार है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आर दैट समथिंग इज़ सेफ एंड रिलायबल, और वो चीज़ जो है या वो चीज़ महफूज है आपके लिए और आरामदेह है। अवेंज मीन इंतकाम, टू डू हार्म टू आर पनिश द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड डन टू यू आर योर फैमिली आर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू अचीव अ फेयर सिचुएशन, किसी भी शख्स को नुकसान देना, नुकसान पहुंचाना या उसे सज़ा देना जो कि ज़िम्मेदार हो आपके साथ या आपके ख़ानदान वालों के साथ या आपके दोस्तों के साथ बुराई करने का, एक फेयर सिचुएशन को अचीव करने, हासिल करने का। पिलग्रिम, पिलग्रिम ज़ायरीन, सफ़र करने वाला या हाजी, अ पर्सन, ऐसा शख्स, हू मेक्स अ जर्नी, जो सफ़र करता है, ऑफन अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वन टू अ स्पेशल प्लेस फॉर रिलीजियस रीज़न, जो सफ़र मुश्किल हो, जो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो और मुश्किल हो, टू अ स्पेशल प्लेस, किसी भी ख़ास जगह की ज़्यारत के लिए, रिलीजियस रीज़न, दीन के मकासद के हवाले से। पाइटी मीन परहेजगारी, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अ रिलीजन दैट इज़ शोन इन द वे समवन लाइव्स, स्ट्रॉन्ग बिलीव, ख़ास अकीदा रखना ने दीन पर, दैट इज़ शोन इन द वे समवन लिव्स, जो आपको रास्ता बताए, ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाए। स्टूडेंट एक्टिविटी, रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड लर्न वोकेबलरी, आप इस लेसन को पढ़ें सही तलफ्फुज के साथ एंड लर्न वोकेबलरी और मीनिंग सीखें। स्टे सेफ एट होम, गॉड ब्लेस यू।